और किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या कॉल है? देखिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक स्टॉक जो फोकस में था वो था एनसीसी का, और सीएलएसए ने यहां अपना प्राइस टारगेट काटा है, 145 से काट के 138 का किया है। हालांकि अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, अपने ईपीएस एस्टिमेट को काट रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि फ्राइडे का जो रिएक्शन था वो काफी हद तक काफी ज्यादा था, ओवरडन था, और इसके लिए अगर आप चाहें तो यहां खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये 97-98 के लेवल्स पे है और इनका प्राइस टारगेट 138 का है। और एक इन्फ्रा काउंटर सद्भाव इन्फ्रा, यहां सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है। हालांकि यहां भी प्राइस टारगेट काटे गए हैं, 340 से काट के 320 का किया है। इनका कहना है कि काफी सारे ऑर्डर बैकलॉग है इस कंपनी के पास, लेकिन क्योंकि हालात काफी चैलेंजिंग है, एनवायरमेंट काफी टफ है, इसके लिए ऑर्डर्स का जो एग्जीक्यूशन है वो हो सकता है थोड़ा स्लो हो, इसके लिए प्राइस टारगेट काटे हैं। भारतीय एयरटेल, इस कंपनी ने अपने जो ओवरऑल नतीजे हैं फ्राइडे को घोषित किए थे, जो इंटरनल्स है, उसके बाद सीएलएसए को काफी पसंद आया है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 376 से बढ़ा के 425 का। और एक आखिरी रिपोर्ट आईटीसी पे है। सीएलएसए वैसे तो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, 400 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हर्षवर्धन जी 2014 में भी मिनिस्टर बने थे हेल्थ के, और इस बार भी वो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, और उनका हमेशा फोकस आया है कि टोबैको का कंजम्पशन को कम करें, और इस बार भी उनकी जो पहली प्रेस रिलीज है वो कहीं ना कहीं टोबैको कंट्रोल मेजर्स के ऊपर ही है। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रह सकता है ये स्टॉक पे, लेकिन फंडामेंटल्स इस स्टॉक के फिर भी ठीक है, इसके लिए खरीदारी की सलाह और 400 रुपए के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, 400 का टारगेट आईटीसी। अगर नीरज जी ने यहां पर बुलेट से लेकर ट्रैक्टर से लेकर गाड़ियों तक का अगर आप देखें पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया, और इसमें एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या है उसको समझ लेते हैं। वरुण हमारे साथ हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। वरुण, इतने खराब नंबर्स और एग्जैक्टली इन नंबर्स पे अब हाउस व्यूज क्या है? कोई बाय कॉल या फिर ज्यादातर सेल है या अवॉइड है? देखिए, अभी भी ब्रोकरेज हाउस अपने सेल या होल्ड के कॉल ही यहाँ रख रहे हैं, और इनको ये ऑटो नंबर्स जो है वो थोड़े चिंताजनक लगे हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्विस की बात करते हैं, तो इनका कहना है कि ओवरऑल ऑटो नंबर्स जो है वो वीक है, और वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है मई के महीने में वो ये साफ दिखाता है कि पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन है उसमें 10-15% के आसपास की गिरावट आई है। हालांकि यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे जो स्टेट्स है वहाँ डिमांड जो है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन मारुति के नंबर्स अगर आप देखें तो वहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्वेंट्री का करेक्शन देखने मिल रहा है। हीरो मोटर के हालांकि वॉल्यूम जो है वो उम्मीद से थोड़े बेटर थे, लेकिन रॉयल एनफील्ड की भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो लगातार वीकनेस ही दर्शा रही है। HSBC अभी होल्ड का कॉल दे रहा है मारुति पे, 7200 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि इस नंबर्स के बाद इन्होंने अपनी जो वॉल्यूम्स एस्टिमेट थे FY20 के उसको कम कर दिया है। इनका कहना है कि थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ग्रीन शूट्स दिखने को अभी भी समय लगेगा, और आगे की जो राह है वो अभी भी दिक्कत वाली है, कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर चिंता है। CLSA हीरो मोटो के ऊपर अभी भी बिकवाली की सलाह दे रहा है, 2375 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि कुछ दिनों पहले इस कंपनी के एनालिस्ट डे भी हुआ था, उसके बाद भी इनको इस काउंटर पे कहीं भी भरोसा नहीं आ रहा है, डिमांड इनका कहना है कि काफ़ी वीक नज़र आ रही है। हालांकि ये कंपनी लगातार अपने ब्रांड्स पे फोकस कर रही है, ना कि प्राइसिंग के ऊपर, और ये कंपनी कॉन्फिडेंट है कि BS6 नॉर्म्स जो है उसको ये कंप्लाई कर पाएगी, लेकिन डिमांड ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और इसके लिए अभी भी बिकवाली की सलाह 2375 के प्राइस टारगेट के साथ। ठीक है, तो हीरो, अब बाजार यही उम्मीद कर रहा है या फिर FIIs यही उम्मीद कर रहे हैं कि रेट कट के फ्रंट पर कुछ RBI बड़ा करे। वरुण बताइए, ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, और CLSA ने जो इंडिया स्ट्रेटजी भी रिपोर्ट निकाली है उसमें किन स्टॉक्स पर खासा फोकस किया है ये भी बताइएगा। देखिए, अभी तक हम मार्केट में बात करते थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन CLSA कहता है कि 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% की रेट कट के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है कि आगे काफी सारी पॉलिसीज में आपको ये देखने मिले, लेकिन 1% का रेट कट यहाँ तय है, और इसके लिए ये जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है उसके ऊपर ओवरवेट हो रहे हैं। ITC और MNM ये दो स्टॉक्स है जहां इन्होंने अपना वेटेज जो है वो कम किया है, और काफी सारे फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स पे इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है। ICICI बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, HDFC, SBI इन सब पे इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, शोभा, रैमको, अल्ट्राटेक इन सबको ये पसंद कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। HDFC इनको सबसे ज्यादा पसंद है। ICICI प्रूफ को इन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में यहाँ शामिल किया है, और प्रॉपर्टी पे तो इन्होंने अपना रेट बढ़ाया है, साथ ही साथ भारतीय एयरटेल पे भी इन्होंने अपना जो रेट है उसको बढ़ा दिया है, इनफैक्ट अपना जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया है। तो ये वो तमाम स्टॉक्स है जहां इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है, केवल MNM और ITC पे अपना वेटेज जो है उसको कम किया है। अब डॉयशे बैंक की रिपोर्ट है GDP के नंबर्स पे, इन्होंने अपना जो FY20 का फुल ईयर GDP एस्टिमेट है उसे कम कर दिया है, 7.4% से कम करके 7% का किया। इनका कहना है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी दिक्कतें रह सकती है, वहां ग्रोथ जो है
6 to 6.2% रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में मोमेंटम कुछ हद तक पिकअप होगा और सेकेंड हाफ में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7.5 रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि Q4 के जो जीडीपी नंबर्स है अनुमान से काफ़ी कम देखने मिल रहे हैं और साफ देखने मिल रहा है कि ग्लोबल वीकनेस और डोमेस्टिक जो डिमांड है उसमें जो कमी आई है उसका रिफ्लेक्शन आपको जीडीपी नंबर्स में देखने मिल रहा है। और इनका कहना है कि जून की पॉलिसी में एक रेट कट तय है 25 बेसिस पॉइंट का और आरबीआई अपना जो स्टैंड है वो अभी भी न्यूट्रल रखेगी। और गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट है जीडीपी के ऊपर, इनका कहना है कि ऑयल प्राइसेस जो कम हो रही है, जो सेंटीमेंट लगातार सुधर रहा है और रिफॉर्म्स जो सुधरेंगे नई सरकार आने के बाद उसके चलते हो सकता है कि ग्रोथ को थोड़ा सपोर्ट मिले, लेकिन इस बार के जीडीपी नंबर जो है वो तो अनुमान से कम ही है।